विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गौरा सैलक में आज भाजपा प्रत्याशी केंद्र प्रताप वर्मा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे। जनसभा को संबोधित करने के दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि यह वही समाजवादी पार्टी है जो आतंकवादियों का साथ देती है। इनकी सरकार में आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए गए। अकेले बाराबंकी जनपद के अंदर कर्ज माफ हुआ और यही नहीं 5,45,000 से अधिक किसान आज वर्तमान में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ अकेले बाराबंकी के अंदर प्राप्त कर रहे हैं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश की सरकार का पहला निर्णय अन्नदाता किसानों के सम्मान के लिए था और दूसरा निर्णय बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमर्स पैसा गठन का भी था। तीसरा निर्णय सरकार का अवैध खनन खाने को बंद करने का था, लेकिन हमने निर्णय ले लिया कि हम गौ माता को कटने नहीं देंगे लेकिन अन्नदाता किसानों की फसल को भी नष्ट नहीं होने देंगे। सरकार की मंशा है एक ऐसा पुख्ता इंतजाम करने का जिससे अन्नदाता किसान की फसल को भी नुकसान न हो लेकिन गौ माता की रक्षा और उनकी सुरक्षा संरक्षण के लिए उचित व्यवस्था हो। सरकार उसके सारे कार्य कर रही है। 2017 के पहले आस्था का पान होता था, न जन्माष्टमी न शिवरात्रि, दीपावली और होली के पहले भी कोई बड़े आयोजन नहीं हो पाते थे, कर्फ्यू लग जाता था, बिजली नहीं आती थी। आज तो आपको बिजली मिल रही होगी ना, आज बाराबंकी में बिजली मिलती है। 2017 के पहले भी मिलती थी क्या? 2017 के पहले बिजली की भी जाति और मजहब बांट रहा था। याद करिए, ईद और मुहर्रम रहता था तो बिजली आएगी और होली और दीपावली रहेगी तो बिजली नहीं आएगी, यही होता था ना। लेकिन आज तो बिजली, सबको बिजली, पर्याप्त बिजली, निर्बाध बिजली।